कुछ लोगों की बकलोली की आदत तब तक नहीं छूटती जबकि उन्हें भली प्रकार आईना ना दिखा दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप भी उनमें से एक हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह व्यक्ति अमरीकी इतिहास का सबसे बकलोल और नासमझ राष्ट्रपति है। मतलब जब जी करा बकलोली कर दी, जब ट्वीट का मन किया उल्टा सीधा जो समझ में आया वह कर दिया। आलम यह है कि अमेरिका का यह वर्तमान राष्ट्रपति प्रतिदिन औसतन 13 झूठ बोलता है। पर कमाल की बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को लगता है वे राष्ट्रपति पद की गरिमा का पूरा ख्याल रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर अपने बयान में मोदी गुणगान करते हुए मध्यस्थता करने की इच्छा जाहिर की। मतलब जिस राष्ट्रपति को दुनिया झूठा और नासमझ कहती है वह स्वयं को दुनिया के बुद्धिमान नेताओं की श्रेणी में शामिल कर रहा है। यानी जो व्यक्ति अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में उत्तर कोरिया के साथ समझौता करने में नाकाम रहा, जिसने चीन और भारत के साथ ट्रेड वार छेड़कर अमेरिका को अरबों डॉलर का चूना लगा दिया, जिसे अफगानिस्तान में फंसी अमेरिकी सेना की याद राष्ट्रपति चुनाव के नजदीक आई, जो हर हफ्ते रूस से झिड़की खाता है, वह कश्मीर मध्यस्थता की पेशकश करके बेवकूफों की जमात में शिखर पर जाने की कल्पना कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष माइक पोम्पियो को अब स्पष्ट कर दिया है कि अपने बिगड़ैल सांड को काबू में रखें, अन्यथा भारत ने जिस प्रकार ट्रेड वार का जवाब ट्रेड वॉर से दिया है, कहीं ऐसा ना हो कश्मीर मध्यस्थता का जवाब भी इस बिगड़ैल सांड को मोदी लाल रुमाल दिखाकर ना दे दें। बड़ी बात यह है कि अमेरिका का बकलोल राष्ट्रपति जब भी कश्मीर का जिक्र करता है, पाकिस्तान संडास तक में बैठे पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद की सड़कों पर एकत्रित कर लेता है। लेकिन इस बार पाकिस्तानी कुकुर भौंके तो जरूर, पर दुम को पिछवाड़े में ही दबाए रहे। इसकी वजह यह है कि मोदी सरकार की इस खबर ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 28,000 सैनिक और भेजने का फैसला किया है। पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि जब पिछले हफ्ते ही भारत ने घाटी में 10,000 सैनिक भेजे थे, फिर 28,000 सैनिक के पीछे मोदी सरकार की मंशा क्या है। इसी चक्कर में कई पाकिस्तानी अफसरों की सलवारें तो इसीलिए गीली हो रही है कि कई भारत कश्मीर पर उनका ध्यान लगाकर उनकी तशरीफ तोड़ने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। वे जानते हैं कि यह मोदी कुछ अलग किस्म का प्रधानमंत्री है, दिखाता कुछ है और कर कुछ और जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कश्मीर में मचे 35 के हटाने के शोर शराबे में उसके पिछवाड़े पर नक्काशी करने की कारीगरी की जा रही हो। दरअसल पाकिस्तान ने यह मुसीबत खुद मोल ली है। इमरान खान जिस नमाज को पढ़ने अमेरिका गए थे वह उसे रोजे में तब्दील करके लौटे हैं। मतलब 21 जुलाई से पहले कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ज्यादा ही चतुराई दिखाई। यानी बिगड़ैल सांड ट्रंप के सामने अपनी कश्मीर रूपी सलवार उतारकर उसे दागदार के तौर पर पेश कर दिया, जिसका इन दोनों बकलोल ने विश्लेषण करने का दुस्साहस किया। इसके बाद ही भारत का पारा गर्म हुआ और तय हुआ कि मरणासन पाकिस्तान की एक नस अभी भी फड़क रही है, यानी कश्मीर। इस समस्या को भी सदैव के लिए खत्म करके मदरसा छाप मुल्क को निष्प्राण कर दिया जाए। लेकिन सवाल यही है कि मोदी आखिर कश्मीर को लेकर ऐसा कौन सा कठोर निर्णय लेने वाले हैं जिसके लिए यहां 40,000 के लगभग सुरक्षा बलों का जमावड़ा किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया को जो दिखाया जा रहा है वह नहीं होकर फिर से कुछ बड़ा करने का इरादा हो, इतना बड़ा कि बिगड़ैल सांड भी कुछ होने के बाद 4 दिन बाद ट्विटर पर चिड़िया उड़ाता नजर आए। अपने एक साक्षात्कार में भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि उन्हें जो काम करना होता है वे उसे बहुत पहले सोच लेते हैं, फिर काफी समय उसके दूरगामी परिणामों के बारे में मंथन करते हैं। उनका कोई भी फैसला आकस्मिक नहीं होता। उन्होंने बड़ी बात यह भी कही थी कि वे लोगों को इसकी जानकारी भी पहले ही दे देते हैं, पर वे ध्यान नहीं दे पाते। जिन्होंने जी न्यूज पर उनका यह साक्षात्कार देखा है उन्हें मोदी के शब्द भी भली भांति याद होंगे। पाकिस्तान इस वक्त अमरीकी सांड के भरोसे गधैया नर्तक करने में मगन है। अमेरिका ने चतुराई से अफगानिस्तान में उसको उलझा दिया है। पाकिस्तान पिछवाड़ा न मार जाए इसके लिए खुरापाती ट्रंप कश्मीर का जिक्र करके पुश करने का काम कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान देखता रह जाएगा, बिगड़ैल सांड रेखता चला जाएगा, इधर मोदी कश्मीर नाम की नासूर युक्त समस्या को सदैव के लिए खत्म कर जाएंगे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।